हेलो फ्रेंड, आ गई हूँ कुछ छोटे छोटे से घरेलू किचन टिप्स लेकर आप सभी के लिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके डेली के कामों को करने में। सबसे पहले टिप्स होने वाली है दवाई की शीशी को लेकर। ये दवाई की शीशी जब खाली हो जाती है ना तो हम फेंक देते हैं, लेकिन आप इनका रियूज कर सकते हैं कुछ शीशियों का। और इसका रियूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये 3 शीशी कट की है और तीनों को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। कुछ शेप दे दी है मैंने इस तरीके से, आपको समझ में आ रही होगी। आप इस पर पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की है, चाहे तो आप कर सकते हैं। और इनके स्टिकर भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं अपने किचन की, या बच्चों के पढ़ाई की भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बर्तन रख के दिखाने वाली हूँ, छोटे छोटे से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कुकर की सीटी होती है तो इसे हम जल्दी से मतलब के धोते हैं और कहीं पे भी रख देते हैं, और फिर खोजते रहते हैं। टाइम पे तो हमें ये मिलती नहीं है, मुझे तो नहीं मिलती, क्योंकि मैं रख देती हूँ कहीं पे भी। तो आपको करना क्या है, आपकी जो कुकर की सीटी होती है ना, इस तरीके से आप इन शीशियों में जो आपने कट की है ना, इसमें डाल के रख सकते हैं। और आपको ध्यान रहेगा कि हाँ, हमने उस चीज़ में सीटी कुकर की रखी है। या फिर चम्मच होती है, चम्मच इसमें बहुत सारी आप रख सकते हैं, या किचन के चाकू वगैरह होते हैं, छोटी छोटी कैंची होती हैं, वो रख सकती हैं। और यहाँ पर देखिए, इसे चाहे तो आप दीवार पर टांग भी सकती हैं, या फिर आप मतलब के आप ऐसे भी इसे रख सकती हैं। या फिर देखिए, इस तरीके से हम अपने हाथ में कुछ अंगूठियाँ छल्ले वगैरह पहन के रखते हैं, तो आटा लगाते समय या बर्तन धोते समय हम इन्हें निकाल के डाल देते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं, और बाद में झाड़ू पोछा करते समय झाड़ू के साथ साथ आगे कूड़े में चली जाती है। तो आप इन्हें पहले ही निकाल के ना इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि इन दवाई की शीशों का बहुत अच्छे से रियूज किया जा सकता है, आपकी बचत भी होगी और आपका ऑर्गेनाइजर भी बनके तैयार हो जाएगा। प्लस ये जहाँ पर भी आप इसे रखोगे, ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। बस आप इसके स्टिकर हटा दीजिए, इनका कलर शीशियों का वैसे ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बना सकती हैं इसे और इजीली बन जाता है। आपसे भी इसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी को दबा कर ऑल पर सेट कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। अब अगली टिप है फ्रेंड, नेल पेंट की शीशी को लेकर। इस नेल पेंट की शीशी से हम मच्छर भगाएंगे। अब आप सोचोगे इससे मच्छर कैसे भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ इससे मच्छर भगाने का जुगाड़। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नेल पेंट की शीशी ले ली है एक, ये क्योंकि ये नेल पेंट सूख गई है और अब इसमें अंदर नेल पेंट नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अभी भी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, हमारे घर में ये कुछ इस तरीके का टूल्स होता है जिसमें हम अगरबत्ती लगाते हैं या फिर स्टिक लगाते हैं, ये जो मच्छर को भगाने वाली होती है। तो ये समय पर नहीं मिलता है, अगर हमको ज़रूरत पड़ती है हम खोजते रहते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है ना तो ये नहीं मिलता है। अक्सर सभी के साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता है। तो अगर आपके पास ये नहीं है या है या मिलता नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। आपके पास जो नेल पेंट की कोई खाली शीशी है ना, उसे आप रख लीजिएगा, और इसे फिर आप कहीं पे भी रखिएगा, किसी कोने में मच्छर तो भगाएगी ही, ये उड़लती भी नहीं है। आप इसमें कितनी सारी स्टिक लगा के रख सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। तो मैंने तो ये मच्छर की स्टिक लगाने के लिए जुगाड़ बताया है फ्रेंड आपको, आशा करती हूँ पसंद आया होगा। तो बहुत अच्छा सा जुगाड़ है, चाहे तो आप इस तरीके से नेल पेंट की चीज़ को रियूज कर सकते हैं, या फिर इस तरीके की जो मच्छर वाली मोटीन होती हैं, इसके जो छोटे छोटे से पार्ट्स ना रह जाते हैं बाद में जलने से, या फिर ये पैकेट के अंदर भी कभी कभी टूट जाती हैं। तो आप क्या कीजिए, इसमें देखिए इस तरीके से इसे लगा दीजिए और फिर आप इसे जला के रख दीजिएगा, कहीं पे भी मच्छर भी भगेंगे आपके और आपको टेंशन भी नहीं होगी, और आपका जो मतलब कि ये मोटीन है ना, आराम से पूरा यूज कर पाएंगे। अगली टिप्स है फ्रेंड, इस तरीके की स्केच पेन हमारे बच्चों के पास देखी जाती हैं, और ये जब खाली हो जाती है तो इसे हम फेंक देते हैं। तो इसका पीछे वाला जो कैप है वो तो मैंने निकाल दिया, इसका काम नहीं है मुझे। और देखिए, ये जो टूल्स है हमारे पास, ये पेचकस, मैं इसमें सेट करके रख दूंगी, ये बिल्कुल इसमें फिट हो गया, यानी कि कैप बन गया है पेचकस का। तो अब पेचकस आप कहीं पे भी रखेंगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि इस पर जंग आएगा, या फिर आपके बच्चे उठा के मुँह में डालेंगे, ये चोट वोट लग सकती है किसी छोटे मोटे बच्चे के, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये अच्छे से इसमें कवर हो जाता है पेच। आशा करती हूँ ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी आपको। सबसे लास्ट टिप्स है मेरी कैंची को लेकर। देखिए,
इस तरह के कैंची हम घरों में यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ना मतलब कि हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसकी जो धार होती है ना ख़राब हो जाती है। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम मार्केट जाके तुरंत नहीं लेके जा सकते इसे कि हम इसे तेज करा के लाएं, तो आपके घर में जो कप होते हैं ना तो उसको आप ले लीजिएगा और इसे थोड़ा सा रफ कर दीजिएगा, दोनों साइड से धार जो है इसकी इसको रफ करना है, देखिए ऊपर से भी और शीर्ष साइड से भी। आप देखेंगे कि जो आपकी कैंची ना बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। मेरा यूज किया हुआ टिप्स है फ्रेंड, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, और काफ़ी अच्छे से कैंची से तेज हो जाती है, तो है ना बढ़िया जुगाड़। आप इस तरीके से अपनी छोटी मोटी बचत कर सकती हैं, फिर अपनी टेंशन को कम कर सकती हैं और अपने कामों को आसान कर सकती हैं। और इसके अलावा एक टिप्स और है, देखिए क्या होता है, हम अपने हाथों में चूड़ी तो पहन के रखते हैं, अब ये जो कांच होता है ना चूड़ियों का, इससे जो कैंची होती है ना हमारी बहुत जल्दी शार्प हो जाती है, इनके तेज हो जाती है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, आप इस तरीके से भी कैंची को तेज़ कर सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, और इजीली तेज़ हो भी जाती है कैंची। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो फ्रेंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।